हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरे की रेसिपी। तो आज मैं लेके आई मिट्ठू सेव की रेसिपी, जिसे कुछ लोग शकरपारे भी बोलते हैं। और वैसे तो ये बेसन या फिर मैदे से बनाई जाती है, लेकिन मैंने हेल्दी बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। जो लोग मीठे खाने के शौकीन हैं उन्हें यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और यह हेल्दी भी होती है क्योंकि गेहूँ के आटे से हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से गेहूं का आटा लिया है, जिसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वही आटा है गेहूं का। 2 चम्मच यहाँ पे सूजी डाल देंगे, तो कोई भी सूजी आप यहाँ पे बारीक या फिर मोटी ले सकती हैं। और जो खाने वाली चम्मच है उसी से 4 चम्मच हमने इसमें घी डाला है। घी की जगह पे आप बटर या फिर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, घी आटा सूजी को अच्छे से इसे मिक्स करना है, ताकि घी जो है वो आटे में अच्छे से कोट हो जाए और आटे जो है घी को अच्छे से सोख सके। तो चम्मच से तो ये अच्छे से नहीं मिक्स होगी, तो चम्मच को हम हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं और हाथ से ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी इसमें मोयन डाल लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट ये होती है, 1 कप गेहूँ के आटे के लिए 4 चम्मच एकदम परफेक्ट होती है। इससे हमारी जो मिट्ठू सेव है या फिर शक्करपारे एकदम खस्तेदार बन के तैयार होगी। तो अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हाथों से मसलते हुए। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हमें पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी हमें डो तैयार करना है। तो पानी हमें ना ज़्यादा ठंडा चाहिए ना ही गर्म चाहिए, नॉर्मल जो पानी होती है रूम टेम्परेचर पर वही पानी हमें इस्तेमाल करना है। अब इसका आटा जो है एकदम सॉफ्ट हमें लगाना है, जैसे रोटी के लिए हम लगाते हैं ना उससे हल्का सा हमें सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी है तो सूजी थोड़ी सी फूलेगी तो ये सेट हो जाएगी अच्छे से। तो इसे हम रख देंगे ढक के 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, अब इसे हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट थी, लेकिन जैसे ही 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट के लिए रखा तो ये सूजी जो अच्छे से पानी को सूख गई है और ये एकदम सेट हो गई है। तो एकदम इस तरीके का हमें डो बना के तैयार कर लेना है। अब इसकी हम बड़ी बड़ी 2 लोई तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से लोई को ना अंदर की तरफ ही इसे फोल्ड करते हुए इसे हमें मोड़ते हुए अंदर की तरफ ही मोड़ते हुए इसे हमें इसकी लोई तैयार करना है। इससे हमारी जो है मिट्ठू सेव होगी ना परतदार बनेगी। तो इस तरीके से हम सारी दोनों लोई को बना के तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसे हम बेल के तैयार कर लेते हैं एक बड़ी सी रोटी। तो क्योंकि बड़ी बड़ी रोटी बनानी है इसलिए हमने बड़ी बड़ी साइज़ की यहाँ पे बनाई है। तो 1 कप गेहूँ के आटे से यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की लोई हमने बना के तैयार कर ली है। अब इसे चकली पर ना ही आटा लगाना है ना ही हमें घी लगानी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो बस इसी तरीके से हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे। तो ना ही इसे हमें ज़्यादा पतला बेलना है ना ही ज़्यादा मोटा। तो इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मोटा है और कितना पतला है। तो ये ज़्यादा ना मोटा है ना ही पतला है। तो वैसे ही जैसे रोटियाँ बनाते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही यहाँ पे 3 रोटी आप रखोगे एक साथ एक के ऊपर एक, उतना मोटा ये रोटी बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे चाकू या फिर पिज्जा कटर से इस तरीके से पतले पतले यहाँ पे स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो ज़्यादा चौला हमें नहीं कट करना है, पतला वही हमें कट करना है, क्योंकि ये गेहूँ के आटे से बने तो हमें ज़्यादा चोला नहीं रखना है ना ही ज़्यादा रोटी हमें मोटा बनाना है। तो इस तरीके से हम इसे पूरे रोटी को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना आपको बड़ा रखना है या फिर छोटा रखना है उस हिसाब से कट लगा सकते हैं। तो साइड वाली तो छोटे छोटे इसे हम निकाल लेते हैं, उसके बाद 2-3 यहाँ पे कट लगा देंगे। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे छोटा बड़ा जितना रखना है उस हिसाब से कट लगा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है दूसरे रोटी को भी इसी तरीके से बेल के, और उसे भी हम इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को थैंक्स कर सकूं। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अभी ये जॉइंट है, लेकिन जैसे ये हम इसे अलग अलग करके रखेंगे फिर भी ये जॉइंट हो जाती है। तो ये दोनों रोटी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से बेल के इस तरीके से कट करके निकाल ली है। तो सारे यहाँ पर बन के हो गई है तैयार। और अभी ये जॉइंट है ना तेल में जैसी फ्राई होगी तो ये अलग अलग हो जाएगी। तो गैस पर हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है, तेल हमें एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। तो जैसे हमने एक डाला तो ये देखिए तुरंत से ऊपर आ गई है तैर के। बस इसी तरीके का हमें तेल चाहिए, एकदम हिट होना चाहिए तेल, ये नहीं हल्का सा गर्म जैसे रहेगा ना तो वो तेल ज़्यादा सूखेगी और ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो अब हम इसमें कटे हुए जो पीसेज है वो इसमें डाल देंगे। और देखिए जैसे ये ज्वाइंट थी, लेकिन जैसे जैसे ये सिकती जाएगी ये अलग हो जाएगी, तो इसका टेंशन बिल्कुल ना लें कि ये ज्वाइंट है तो एक ही साथ रह जाएगी। तो जैसे देखिए देख सकते हैं आप वीडियो में कि कितना मैंने एक साथ ही ज्वाइंट होता आटा में आटा सटा हुआ था, लेकिन ये तेल में जाते ही अलग अलग हो गया है। तो बस इसी तरीके से अब यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम अलटते पलटते इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये गेहूँ के आटे से बनी है तो थोड़ी सी इसका कलर तो वाइट पूरा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा तो चेंज होगा। और थोड़ी सी इसे हमें ज़्यादा कड़क करके इसे हमें फ्राई करना है, थोड़ा सा डार्क करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो बस इसे हम इसी तरीके से अलटते पलटते इसे गोल्डन हल्का सा गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो बस अच्छे से ये फ्राई हो गई है और इसे हम निकाल लेते हैं।
और जो सेकेंड बैच बची हुई है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसमें जब हम डाल देंगे ना कटे हुए पीसे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हमेशा मीडियम फ्लेम पर इसे हमें तलेंगे, लो फ्लेम पर इसे हमें नहीं तलना है, नहीं तो तेल को अच्छे से सोख जाएगी और वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो एकदम तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम मीडियम पर हम इसे तल के तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से जो बाकी बची हुई है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसे तो मेरे इधर मिट्ठू सेव बोला जाता है, पर आपके इधर इसे क्या बोला जाता है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि इसे क्या क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे इसे इसी तरीके से सभी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी बनके हो गई है तैयार, एक कप से ही हमारी यहाँ पे। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं, अब इसके लिए हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे एक पैन रखेंगे और जिस कप से हमने आटा लिया था ना उसी कप से आधा कप हमने चीनी लिया है। तो मीठा यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम बना रही हूँ, क्योंकि घर में बनाते हैं ना तो थोड़ा सा अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी ली है, एक कप आटे के लिए आधा कप चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, ज़्यादा चीनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बराबर ले सकते हैं, एक कप आटे के लिए एक कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जितना चीनी था उसका आधा हमें पानी लेना है, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें नहीं है। बस इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए चीनी को घोलते हुए इसे इसकी चाशनी बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया ताकि इसका टेस्ट जो बहुत ही अच्छा आ जाए। बस इसे हम चाशनी एकदम ठीक होने तक, एकदम जैसे चाशनी जो चीनी की जैसे हो जाती है ना सूखी जो कि, वैसे इसे हमें बना के तैयार करनी है। तब देखिए हाथ में इस तरीके से उठाएंगे ना, एकदम चिपचिपा सा चाशनी यानी दो तार जैसे हो गई है, एकदम चीनी के जैसे सेट होने के लिए एकदम तैयार हो गई है। बस इसी तरीके का हमें चाशनी बना के तैयार करना है। अगर हाथ से नहीं छूना चाहते तो आप इसे पानी में डाल दीजिए, और पानी में चाहते ये तुरंत से चिपक जाए, एकदम गोल बन जाए, इसका मतलब चाशनी एकदम परफेक्ट है। अब जो हमने छान के रखी थी ना मिठू से, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे चीनी के साथ। तो मैंने यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम ली है, क्योंकि कम मीठा हमें बनाना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा है बनाना है तो बस सेम क्वांटिटी, जितना आटा आप लेते हैं उतना चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा देर इसी तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीनी है ना वो ज़्यादा चाशनी नहीं है, जितना तो हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से इसमें कोट हो गई है, और जैसे जैसे ये ठंडा होते जाती है एकदम वाइट हो जाती है, चीनी के कलर का ऊपर से एकदम आ जाता है वाइट वाइट। तो बस इस तरीके से हमारा बन गया है मिठू से। तो आपको इसकी आवाज़ से लग रही होगी कितनी क्रिस्पी और खस्तेदार बन के तैयार हुई है। बिल्कुल मार्केट में जो मिट्टू से मिलती है ना बिल्कुल वैसे ही, उसमें थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पर जब हम घर में बनाते हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पे मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी कम चीनी डाली है और ये एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी बन के हो गई है तैयार, और ये हेल्दी भी है। तो जो लोग को मीठा खाना पसंद है वो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर महादेव लिखिए। तो